हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ एक राखी, और इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो नॉर्मली आसानी से हमें घरों में मिल जाती हैं। एंकल का थ्रेड, नॉर्मल गिट्टी, ये कागज़ का टुकड़ा है, कार्डबोर्ड का टुकड़ा, एक कैंची और कुछ मोती इसको सजाने के लिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लिया है और इस पर मैं इस धागे को लपेटना स्टार्ट करूंगी। अगर आपके पास ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा नहीं है तो आप अपना कार्ड वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल कागज़ का टुकड़ा है। इसको आप इस पर लपेट देंगे धागे को, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार करीब आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना राखी बनाई जाए आज। देखिए, कम से कम इतना थिक हो जाने के बाद हम इसको एक साइड से इस तरह जो नॉर्मल गिट्टी है उसके धागे से बांध लेंगे। ये देखिए, यहां पर हम एक गठान लगा देंगे। गठान लगाने के बाद देखिए, हम इसको इस तरह से कार्डबोर्ड से अलग कर लेंगे और इसके दोनों साइड्स को यहां पर हम बंद करके और नॉट बना देंगे। देखिए, इसको नॉट बनाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ये देखिए, दोनों साइड्स जो हैं इनको हम काट लेंगे इस तरह से। और देखिए, कट करने के बाद हम इसको इस तरह से बीच से इस तरह दबा देंगे ताकि ये फ्लैट हो जाए। इस तरह से दबाने के बाद हम इसको एक दिन के लिए किसी मोटी बुक के अंदर रख देंगे। देखिए, जो दूसरा इनका थ्रेड है उससे भी मैंने इस तरह बना लिया है और इन दोनों को अब मैं एक बुक के नीचे दबा के रख दूंगी। देखिए, बाद में कुछ इस तरह से नजर आएंगे। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ब्रश कर रही हूँ ताकि ये जो रेशे हैं वो खुल जाए इस तरह से। देखिए, अब इसको मैं राउंड शेप में कट कर लूंगी। अब यहाँ पर हम डोरी बनाएंगे हाथ पर बांधने के लिए, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? ये देखिए, एक और कार्डबोर्ड का ही टुकड़ा है ये, लेकिन ये थोड़ा बड़ा टुकड़ा है। इस पर भी हम धागे को लपेट लेंगे। कम से कम इतना थिक जब धागा हो जाए तब हम इसे यहाँ एक साइड से कट कर लेंगे। देखिए, एक साइड से कट करने के बाद यहाँ पर हम एक नॉट बना देंगे सारे धागे को लेके, ताकि धागा इधर उधर ना जाए। देखिए, नॉट बनाने के बाद मैं इसको स्टेबल करने के लिए इस डब्बी में बंद कर रही हूँ, और फिर हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। नॉर्मल हम जैसी चोटी बनाते हैं, हमारी चोटी गुथते हैं, उस तरह से मैंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और जैसे सिंपल चोटी हम गुथते हैं, उस तरह से इन धागों को मैंने गुथ दिया है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम सारे धागे को इसी तरह गुथ लेंगे, कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। अब इसके जो दोनों एंड्स हैं उनको हम ट्रिम कर लेंगे, और इसके बाद चाहे तो आप इसको ऐसे ही यूज करें या फिर चाहे तो इस तरह से डेकोरेट करके इसको। यहाँ हमारी राखी बनके तैयार है, और मैंने कुछ और भी राखियां बनाई हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो आप इनको जरूर ट्राई कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।